हेलो दोस्तों, माय नेम इज ग्रो। सितारा यास्मीन एक्चुअली उनके हस्बैंड के गांव गई हुई है कि रिश्तेदार में एक शादी टूट रही थी, उन लोगों की एंगेजमेंट हो गई थी, मगर क्या हुआ मालूम नहीं, इनके हाँ इसमें इन दोनों की शादी नहीं हुई, नहीं हो पाई। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर चैनल खोले हुए हैं, इसमें इधर से कुछ बातें और उधर से कुछ बातें हो रही थी, तो सितारा यास्मीन ने इसको सेट कर दिया। इस खुशी में मिठाई भी बांटी जा रही और दुआ भी हो गई, क्योंकि ना उनके हस्बैंड उनकी शादी से पहले कौशल से उनका ट्राइंगल चल रहा था, तो उनके हस्बैंड के पेरेंट्स के मुताबिक सितारा यास्मीन से उनकी शादी करवा दी गई। 10 साल बाद उनके हस्बैंड का प्यार हस्बैंड के लिए लौट आया। सितारा यास्मीन ने खुद उनके हस्बैंड को परमिशन दिया शादी के लिए, क्योंकि इनको सेकंड वाइफ से गेम खेलना था। वैसे में वो अपने सौतन को अपने पास नहीं रखती बेचारी, वो गाँव में अपने माँ बाप के पास अकेली रहती। शादी का क्या मतलब हुआ यार? यहाँ पे बात फीलिंग्स की हो रही है। जैसे मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ है कौसर, आप सब उसको जानते भी हो। अभी मैं गांव आई हूँ तब भी मैंने उसको दिखाया है, अगर कोई नहीं जानता तो। जैसे मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की, आप देखो कि मेरे हस्बैंड का और कौसर का मुझसे पहले रिश्ता जुड़ा हुआ था। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए एंड तक बने रहे। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए गिफ्ट है, जो भी सब्सक्राइब करे थैंक यू। पायल मलिक और कृतिका कभी कभी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, तो आज उन्होंने क्या किया मालूम, ये दोनों ने बेचारे गरीब का पेट भरा, सब्जी रोटी और उसके साथ साथ बनाना भी बांटा, और उसके बाद कपड़े भी बांटे, बहुत सारे कपड़े बांटे। बाज वक्त ये लोग बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। बच्चों के दादी और नानी भी बच्चों से मिलने आई हुई है। इसके बाद वो लोग एनिमल मूवी देखने का प्लान बनाए, वो भी छोटे बच्चों के साथ। वो तो बिल्कुल छोटे है, क्या देख पाओगे यार। इन बच्चों को तो घर में छोड़कर जा सकते हैं ना, मगर चीकू को मूवी देखने के लिए एंट्री होने नहीं दिए, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो चीकू बहुत रोने लगा, तो ये लोग ये डिसाइड किए कि पायल एक दूसरी मूवी देखेंगे और कृतिका दूसरी मूवी, दोनों अलग अलग थिएटर में भी मूवी को वॉच किए। कृतिका और पायल दोनों भी बीच में से मूवी छोड़कर निकल गए, क्यों बच्चे तो नहीं देखने देंगे ना।